कोयली के घर में ये सुरीली आवाज में कौन गा रहा है? लगता है घर में कोई फेस्टिवल है और हम भूल गए। नहीं नहीं आज कोई फेस्टिवल नहीं है। चल यार चलकर देखते हैं। इतनी सुरीली आवाज तो मेरी पोती बहू विद्या की ही हो सकती है। विद्या तो यहाँ है, तो ये कौन है? याजन को हो क्या गया है? इतनी सुबह उठ कैसे गई? मीरा दिखा केम चुप थे गए? गाओ ना, तुम बहुत अच्छा गा रही थी। ये कोयली, लगता है तेरी तीखी छुरी भजन गाते गाते अटक गई। ईश्वर के प्रति श्रद्धा आधी अधूरी हो तभी ऐसा होता है। सिर्फ भजन गाने से मीराबाई नहीं बन जाते, उसके लिए श्रद्धा और भक्ति चाहिए। तो तुम्हें नहीं है बेटा, तू तेरा वो जींस पैंट और कोट और फटपटी यही सब करती रहे। विद्या जी, बेटा तुम गाओ, मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें ये भजन आता ही होगा। मैं कोशिश करती हूँ। छवि मनोहारी अधर मुरली है माथे पे
छोटी बहू ने भजन गाया है। कोयली, इसके कंठ में तो सरस्वती का वास है। जो दिल से सच्चा हो भगवान उसी के साथ होता है, लेकिन जिसके दिल में खोट हो वो ओंधे मुंह गिरता है। क्यों मीरा? गौरा, बस करो। परिधि वो सबको प्रसाद दे दो। जी काकी जी। अरे ये छोटी सी गुड़िया प्रसाद क्यों नहीं ले रही है? खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। खाओ बेटा, अगर तुम ये प्रसाद नहीं खाओगी तो ये तुम्हारे गुब्बारे जैसे गाल में से हवा निकल जाएगी। क्या वाराशी, तुम मासी जी से इतना क्यों डर रही हो? मुझे लगता है इस छोटी सी गुड़िया को अभी भी परी और राक्षसी की कहानी याद आ रही है। डरने की कोई बात नहीं। लो, परी, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मुझे इस टॉपिक पे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए प्रोटीन शेक लेकर आती हूँ। चलिए, सब नाश्ता कर लीजिए। अब आप लोग सब जाइए, मैं अभी आती हूँ। टंकी राशि के पीछे हाथ धोके पड़ी है। जैसा करना पड़ेगा जिससे इसकी जासूसी बंद हो जाए। आखिर इस संदूक में है क्या जो गौरा बहन ने इसे ताला मार के रखा है? ए कोयली की पगली समधन, मेरा कमरा अगर इतना अच्छा लगा है तो सामान लेके यहीं डेरा डाल दो। नहीं नहीं, वो तो मैं देखने आई थी कि आपके कमरे की साफ सफाई कैसी है। एकदम अप टू डेट है। तो मैं खुद अप टू डेट हूँ तो मेरा कमरा भी वैसे ही होगा। अब आप आ ही गई है, थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं आपको पान खिलाती हूँ। पान? बैठो। वाह, आप मेरे हाथ का पान खाएंगी तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। पता है आप में और मुझ में क्या समानता है? क्या? इस घर की औरतें दिल और दिमाग से बुढ़ी हो गई, लेकिन आप और मैं दिल और दिमाग से एकदम जवान और रंगीन है। यूं तो है। आज मैं मोटी बहन के जिगर से पहली बार मिली। अच्छा है। हाँ हाँ, वो तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये परी कुछ समझ में नहीं आ रही। क्यों? नहीं, ऐसे ही उखड़ी उखड़ी रहती है, कभी हंसती है तो कभी मुंह फुला के बैठी रहती है। थोड़ी चिड़चिड़ी है ना? नहीं नहीं, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। पर क्या है ना कि कभी हालात ऐसे पड़ जाते हैं कि इंसान ऐसा हो जाता है। आपको डिबेट नहीं है ना? क्या
डायबिटीज। अच्छा अच्छा डायबिटीज। हाँ सेम टू सेम। हाँ हाँ ना ना फिर ठीक है, मैं आपको गुलकंद वाला पान खिलाऊंगी, एकदम ठंडक हो जाएगी। ये गुलकंद वाला पान मैं कभी कभी ही देती हूँ किसी को, खास मौके पे खास लोगों को ही मिलता है गुलकंद वाला पान। अच्छा तो आज अभी ऐसी क्या खास बात है? आज अपना कीमती वक्त मेरे साथ मेरे कमरे में आप बिताने आई है ये बहुत बड़ी बात है। ये लीजिए, ये जिगर के दोनों जो बच्चे हैं आपको बहुत मानते हैं, लेकिन आपको नानी नानी क्यों बुलाते हैं? अब मैं उनकी नानी हूँ तो मुझे नानी ही कहेंगे ना। अच्छा मतलब आप वो परी की माँ है? नहीं नहीं, तोलू मोलू तो मेरी राशि के बेटे हैं, मेरी बेटी राशि। अप्पू इस दुनिया में नहीं है। सॉरी सॉरी, मुझे इस बात का पता नहीं था। अच्छा मतलब परी जिगर की दूसरी पत्नी है? हाँ वो मेरी भतीजी है। अच्छा तो राशि जिगर और परी की बेटी है? नहीं नहीं है? वो तो राधा की बेटी है। अब ये राधा कौन है? राधा गोपी की बहन थी। गोपी और राधाड़ी में दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, और राधाड़ी ने तो जिगर कुमार को फंसा के उससे जबरदस्ती शादी कर ली। अच्छा वो तो वेवान जी ने राशि को पाल पोस कर बड़ा किया है, इसीलिए इतनी संस्कारी है। तो अब ये राधा कहाँ है? जहाँ उसे होना चाहिए। ऊपर। लेकिन फिर भी एक एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है, उसे प्रॉब्लम क्या है? इतना अच्छा पति है, दो बेटे हैं, एक बेटी है, भले सौतेले लेकिन फिर भी है तो सही, और इतना अच्छा परिवार है जो उसे बहुत प्यार करता है, क्यों उखड़ी उखड़ी रहती है वो? दरअसल परी को अपना कोई बच्चा नहीं है ना, और वो अभी भी अपने खुद के बच्चे चाहती है, पर जिगर कुमार राजी नहीं है इस बात के लिए, इसीलिए थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहती है। ये बात है। बाकी पान एकदम फंटास्टिक हो तुआ। थैंकिंग यू फेथफुली सीरियसली योर्स। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। बोलिए याद करते तुम लोग मेरे को, बोला हिचकी मार मार के गले का कौवा बैठ गया। बहुत मिस करते ना तुम लोग, रिवर्स गियर डाल के वापस इधर ही आ गया मैं। ए गेंदा गुलाब, ये मैयत के फूल कितने के पड़ेंगे? अभी फटाफट तुम लोग भी जुड़ने का, फूल धमाल होने वाला है। उड़ने की आशा कल से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।